दगड़े हो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आपका ब्लॉग कर रही हूँ मैं 9 बजे से स्टार्ट, 9:30 होने वाला है टाइम। और अभी रख रही हूँ मैं चूल्हे में बाल, और आग बिल्कुल भी नहीं जल रही है। इतने से लकड़ियाँ है और गीली हो रखी है सारे के सारे, तो बिल्कुल भी आग नहीं जल रही है। तो अभी दाल रख दूँगी, फिर उसके बाद हम घास के लिए जाएंगे या फिर फुमका घास रखेंगे। तो क्योंकि फुमका घास भी अब सड़ रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है इसलिए। तो फुमका है चलो हूँ ना फिर आ मैं तो इसलिए तो अभी रखती हूँ दाल, और दाल छौंक के रखती हूँ क्योंकि उबलने के लिए। और ये रखी है मैंने दाल धो के, और इसमें टमाटर और सब कुछ, मतलब मिर्च मसाला सब कुछ डाल दिया है। इसको ना अच्छे से छौंक के ढक्कन मार देना है, फिर उबल जाती है दाल भी, और दाल भी बन जाती है। फिर ये होता है ना कि पहले उबालने के रखो, फिर छौंको, फिर उसमें टाइम लगता है। तो इसमें ऐसा होता है कि इधर उधर से आओ और दाल को पलटो, और कुकर को थोड़ा सा खा लो, और उसमें चावल डालो और चावल बना लो, है ना। तो भात बन जाता है मस्त से, तो इसलिए फिर टाइम नहीं लगता ना बनने में, और ऐसे में तो टाइम लगता है। फिलहाल आग नहीं जल रही है, तो चलो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अभी जाएंगे हम घास के लिए, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय। तो रख दी है मैंने दाल, और अब मैं जा रही हूँ घास के लिए। माँ और दी चली गई हैं खुमका घास लाने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ। तो यहीं पे है खुमका घास, और ये पेड़ है इसका, इसको हम दीवा का पेड़ बोलते हैं गढ़वाली में, दीवा डालू ऐसा बोलते हैं हम इस पेड़ को। तो यहीं पे इसे लाना है घास, तो ऐसी बोला माँ ने कि दीवा डाला समय बैठे क्यों घास ले आना आज। बस वहीं पे जा रही हूँ, तो आ चुकी हूँ मैं पेड़ के नीचे। यहाँ से हमारे लिए रास्ता है, और नीचे मंदिर है, और यहाँ से रास्ता है इधर को। तो चलो अभी घास देखते हैं कैसा कैसा है, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? तो यहाँ पे ये रहा हमारा घास जो कि पूरा सड़ गया है और उन्होंने तो पूरा वही तोड़ दिया है, पहलू तोड़ दिया है पूरा घास खराब हो चुका है, जिसपे कि अफसोस के मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पे देखो ये पूरा काला हो गया है और यहाँ पे माँ ने वो पेड़ ही तोड़ दिया है जिसपे लगा रखा था, और निकाल रहे हैं सारा का सारा। आज थोड़ी सुबह से बारिश नहीं है, तो इस कारण हमने कहा कि रख ही देते हैं उसको, क्योंकि वो सड़ रहा है ज़्यादा बारिश में रहने के कारण। तो चलो अभी पहले घास रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमने सार लिया है सारा घास घर पे, अब थोड़ा सा ही रह रखा है, और इंदी का भी नहीं रह रखा था घास, तो हमने बोला कि हमसे ले जाओ थोड़ा सा घास, हमारा बहुत सारा रह रखा है। तो इन्होंने छोड़ दी थी अपने भैंसों को पालने की आस पर, हमने दिया घास नहीं तो ये हो रखी थी उदास तो अब इतना सा ही रह रखा है घास, और इसको हम ले जा रहे हैं छन्नी में। और इनको देखो कैसे कान बैठे आपको बैठे तो अब देखा। फाइनली आ गया है सारा घास, येरा और अंदर येरा पूरा अंदर भर चुका है, और ले आए हैं हम। इंद्रदेव की बहुत ज़्यादा मेहरबानी रही है कि सुबह से बारिश नहीं थी, और अब बारिश की बूंदें आने लग गई है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहरबानी की है हम पे कि तुम घास रख लो, उसके बाद मैं बारिश करूँगा। तो बारिश अभी तक थी बंद, अब हल्की सी बूंदाबांदी होने लग गई है। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? तो टाइम हो गया है 6:30, और हम आ चुके हैं डांडा घास के लिए। और हम आज लेट इसलिए हुए क्योंकि यहाँ डांडा गाँव में ना 2-3 वो रहते हैं, फैमिली रहती है, तो उनका सामान लेते हुए आए, वो बैजरों जा रखे थे, तो नीचे से उनका सामान लेते आए हम, तो इसलिए लेट हो गया। और अब काटते हैं घास, और दिन में मतलब घास से घास लाने के बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। उसके बाद खाना वाना बनाया, खाना खाया, बर्तन वर्तन धोए और सो गए बस। फिर उठे, चाय वाय पी, और फिर डांडा के लिए। तो अभी हम इसको देखो, ये तो काटने लग गई घास, और मैं भी काटती हूँ यहाँ पे फटाफट से घास, फिर चलते हैं घर, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? टाइम हो चुका है 7 बज गए हैं, और अब घास वास भी लगा दिया है हमने, ये रही मेरी फंची, और अब हम उठा रहे हैं ये टुप्पा की,
अब हम उठा रहे हैं, अब हम घर जा रहे हैं और आज लेट भी हो गया है, हमें घर जाके भैंसे वगैरह भी निकालनी है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। ज्यादा सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।